हेलो, नमस्कार दोस्तों। 2 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ कुछ मेन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा मेन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली आधार कार्ड के बारे में क्वेश्चन ही है कि इंडिया में जो आधार कार्ड है उसी तर्ज पे यूएसए में एक्चुअली लेके सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके आए गए थे। जैसे इंडिया में आधार कार्ड के नंबर होते हैं उसी तरीके से, तो मतलब वो सोशल सिक्योरिटी नंबर थे वो पहले आ गए थे यूएसए में। हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो आपको ये बताना है कि यूएसए के जो सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं और इंडिया का जो आधार कार्ड है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, और किस लेवल पर आधार कार्ड और ज़्यादा सक्सेसफुल है या नहीं है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि आधार कार्ड है वो क्या हेल्प करेगा या नहीं करेगा, जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनके मतलब उनमें जो लीकेज वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए। तो ये आपको बताना है कि भारत का जो आधार कार्ड है वो अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी जो नंबर्स हैं उससे किस तरीके से अलग है। फिर आपको बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि आगे बढ़ने से कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी और प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी आधार कार्ड से। तो इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड में। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आधार कार्ड क्या है, और उसके बारे में बताना आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना है 4-5 लाइनों में। उसके बाद में आपको बताना है कि आधार कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे आपको बताने हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स थे उनकी क्या कमियाँ थी वो भी बतानी है। इसके बाद में आपको बताना है कि गवर्नमेंट को आधार कार्ड में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, गवर्नमेंट को जो स्कीम वगैरह आ रही है क्या उसमें अपडेट करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। तो आज जो आर्टिकल है सबसे पहले वो मैंने लिया है बजट के बारे में। तो आज 3 आर्टिकल बजट के बारे में है, तो हम उनको सब एक साथ देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले बजट के लिए GS 3 में इकोनॉमी का टॉप पॉइंट होता है, तो वहाँ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले एक चीज़ होती है वो होता है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इसको देखते हैं कि होता क्या है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार की कमाई कितनी है और खर्चा कितना है। सरकार की कमाई और खर्चे का जो भी माइनस होता है उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। बट नॉर्मली तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें एक्चुअली राजकोषीय घाटा है वो ज़्यादा होता है, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है वहाँ पर और कमाई होती है वो कम होती है। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात वो ये है कि इसमें उधारी ऐड नहीं करते। ऐसे नहीं कि सरकार के पास खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम है तो सरकार कहीं से उधार लेके पैसे और फिर वो ऐड कर देगी, नहीं नहीं उधारी इसमें ऐड है वो नहीं करते। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। आगे देखो बात ये की गई है कि रेवेन्यू है वो इस बार जितनी उम्मीद की गई थी गवर्नमेंट को रेवेन्यू की, कि इस बार रेवेन्यू है वो 11.3% रहेगा GDP का, जबकि रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा रहा। रेवेन्यू रहा इस बार का वो रहा GDP का 11.6% था, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ GST है उसमें थोड़ी कमी रहेगी। GST का जितना टारगेट रखा गया था कि इतना रेवेन्यू होगा उतना रेवेन्यू हासिल नहीं हो पाया, और डिस इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 1 लाख करोड़, तो गवर्नमेंट ने अपने टारगेट 1 लाख करोड़ को पूरा अचीव कर लिया। मतलब डिस इन्वेस्टमेंट से भी गवर्नमेंट का टारगेट अच्छा रहा, रेवेन्यू है वो भी ऑल ओवर अच्छा रहा, बट GST से थोड़ा हल्का कम रहा। ये भी नहीं कि बहुत कम रहा, थोड़ा कम रहा जितनी उम्मीद थी उससे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा रहा, बट उसके बाद भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा रहा। तो ये आर्टिकल कह रहा है देखो फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि इस साल सरकार ने काफ़ी सारा जो पैसा है वो सब्सिडी वगैरह में स्कीम वगैरह में पैसा खर्च किया। तो इसका मतलब क्या है, सरकार ने खर्चा तो किया ज़्यादा, मतलब वो बात होगी आमदनी इतनी होगी खर्चा कर दिया रुपया, तो ऑब्वियसली सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो उससे फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ना ही बढ़ना है। जबकि देखो FRBM एक्ट है उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि FRBM एक्ट में ये था कि हमें जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो इस बार 2018 के फाइनेंशियल ईयर के लिए वो रखना था 3.3%, जबकि इस बार रखा गया GDP का थ्रू रखा गया 3.5%। उम्मीद ये थी वैसे कि गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम अनुमान लगाया था पिछले बजट में वो ये था कि 3.2% रहेगा, बट रहा इस बार कितना 3.5, मतलब 0.3% वो ज़्यादा रहा था। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ हम थोड़े और समझते हैं। पहली बात ये थी कि गवर्नमेंट की कमाई किस तरीके से होती है और गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं। तो देखो गवर्नमेंट को कमाई है वो 2 तरीके से होती है, एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट में और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो कमाई होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में, और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसमें बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई डिस इन्वेस्टमेंट करी है तो वहाँ से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। तो मतलब गवर्नमेंट की कमाई 2 तरीके से वो हमने देख लिया। इसी प्रकार गवर्नमेंट के खर्चे में वो भी 2 तरीके होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब भी होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या है कि लोन लेती है किसी से, कि दूसरी कंट्री से लोन लिया, तब गवर्नमेंट को ऑब्वियसली लोन लिया तो उस पर कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज जो चुका रही है वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब लोन का जो ब्याज चुकाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट जो सब्सिडी में पैसा खर्च कर रही है वो सारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब जो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने जैसे डिस इन्वेस्टमेंट किया, तो डिस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट से होकर क्या गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, बट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा गवर्नमेंट की भागीदारी भी कम हो जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए गलत ही है ना। अब देखो एक बात यहाँ पे आती है
कि जैसे गवर्नमेंट को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा मतलब भी होता है कि गवर्नमेंट क्या है कि पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर गवर्नमेंट पैसा देश की इकोनॉमी या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में बूस्ट कर रही है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट है रेलवे को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रही है, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट है उसको बूस्ट कर रही है, या फिर और तरीके की एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छा ही होता है ना। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अगर वो जितना ज़्यादा होता है सही डायरेक्शन में, वो उतना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे क्या कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। बट इस बार बजट में हुआ, इस बार जो देखा जाए मतलब डाटा देखा जाता है वो इस बार बजट में कुछ ऐसा देखा गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम रहा जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा। मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू देखो इकोनॉमी के लिए तो होना तो ये चाहिए था कि ये तो बढ़ना चाहिए था, और कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होना चाहिए था कम, मतलब सरकार को जो सब्सिडी पर पैसा कम खर्च करना चाहिए था, लोन वगैरह इन चीज़ों पर पैसा कम कम खर्च करना था, और जबकि सरकार को जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के प्रोजेक्ट है इन पर पैसा ज़्यादा खर्च करना था। बट हुआ उल्टा, हुआ इसलिए उल्टा हुआ कि गवर्नमेंट ने इस बार सब्सिडी पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी लोकल बहनवाद की जो पॉपुलेशन की पॉलिसी है वो लेके, तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या है कि लोन के मामलों में चुका हो गया, लोन के मामलों में चला गया, इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह में पैसा खर्च किया वहाँ पर पैसा खर्च हो गया। अब देखो फिर आगे आर्टिकल ये कह रहा है कि 2018-19 का जो गवर्नमेंट का टारगेट था फिजिकल डेफिसिट का वो था 3.3% का, जबकि हुआ कितना इस बार वो रहा 3.5%। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की, FRBM एक्ट के तहत हमारे प्रावधान था कि 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए रहना है 3%, 2019 के फाइनेंशियल ईयर के भी में टारगेट था वो था 3%, और 2020 तक भी 3%। बट अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है बजट में कि जो 3% का टारगेट है वो हम 2020 में अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है तो इसलिए हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये बात है। आगे आता है मेन फोकस, देखो इस बार बजट पे फोकस किस चीज़ पे रहा, तो आर्टिकल में बताया गया कि इस बार जो फोकस रहा है वो रहा है सबसे पहले एग्रीकल्चर में, इसके बाद में हेल्थ पे, बाद में फूड पे, सीनियर सिटीजन, एजुकेशन। तो मतलब इस बार फोकस वो काफ़ी सारी चीज़ों पे रखा गया, और मैंने एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की बात की है, एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्लान्स है वो लेके आई है, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, एक दो छोटे पॉइंट उनको भी आप हम सबको इंक्लूड करके चलेंगे। फिर आगे एक बात आती है, वो आती है कि देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाने के लिए ये प्रावधान रखा है कि 10 करोड़ गरीब लोग हैं उनको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। पहले गवर्नमेंट ने जो हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रखी थी उसमें ये प्रावधान था कि 30,000 रुपये तक ही बीमा मिलता था, तो अब गवर्नमेंट ने दायरा बढ़ा दिया कि भाई गरीब लोग हैं वो भी आराम से, अगर कोई भी उनको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल की कोई भी एक बीमारी हो जाती है, जैसे कि हमने सुबह प्रीलिम्स में डिस्कस किया था अपडेटर वाली सीरीज में कि गवर्नमेंट जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर जो आयुष्मान स्कीम 2022 की लेके वो इसीलिए लेके आई है ताकि गरीब लोग हैं वो भी इजीली अपना ट्रीटमेंट है इलाज है वो करवा सकें सही ढंग से। तो गवर्नमेंट इसीलिए इन चीज़ों को भी ज़्यादा फोकस करिए कि भाई गरीब लोग हैं वो आराम से अपनी इंश्योरेंस करवा सकें, और इसलिए गवर्नमेंट इस पे पैसा खर्च करेगी। पर देखो आर्टिकल में फिर एक बात की गई यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने स्कीम वगैरह तो लॉन्च कर दी कि हाँ ऐसे ऐसे हम करेंगे, मतलब प्लान तो कर लिया है, बट गवर्नमेंट ने इनके लिए बजट है वो कम मतलब एलोकेट किया है। तो इसका रीज़न एक ही है कि हमारे देश में क्या कि अभी डेवलपिंग कंट्री है तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा है और फंड की थोड़ी क्या कमी रहती है, तो इसलिए ये वो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अब अगली बात आती है, वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए कि इस बार गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी होती है उसको बढ़ा दी है। कस्टम ड्यूटी इसलिए बढ़ाई है ताकि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बूस्ट किया जा सके। बट आर्टिकल साहब का ऐसा कहना है, आर्टिकल मतलब जो रिटर्न राइटर हैं एडिटर हैं उनका ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली कस्टम ड्यूटी को नहीं बढ़ाना चाहिए था और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है तो उसके लिए इंडिया में स्किल बूस्ट करनी चाहिए थी, ना कि प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए थी। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जिस प्रकार यूएसए अपना रहा है कि हम दूसरी कंट्री के लोगों को नहीं आने देंगे, उन पर बैन लगाया जा रहा है, टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर लगाए जा रहे हैं, उस तरीके की पॉलिसी इंडिया को नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि बाहर की कंट्री इंडिया बाहर की जो बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में नहीं आ पाएंगी, उनको ऐसा लगेगा कि यार इंडिया का माहौल उनके लिए सुटेबल नहीं है और ये एक तरीके से सही नहीं है। तो वो बार राइटर के द्वारा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज़ को। फिर अगली बात आती है वहाँ पे थे टैक्स में, तो इस बार कहा गया बजट में कुछ टैक्स के लिए कुछ ज़्यादा कटौती की बात नहीं हुई है कुछ खास, तो राइटर ऐसा कह रहे हैं कि तो गवर्नमेंट को टैक्स में कुछ कटौती करनी चाहिए, मतलब टैक्स रेट में कुछ राहत देनी चाहिए थी, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट जब बीजेपी इलेक्शन में आई थी 2014 में तो उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था कि हम जो 5 लाख तक की एरिया है उसमें टैक्स है वो देंगे, मतलब 5 लाख तक ये जो इनकम है उस पर आपको टैक्स चुकाना ही नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अभी ऐसा कर नहीं रही है और इस बार लोगों को उम्मीद थी कि यार इस बार तो कम से कम जो टैक्स है उसमें काफ़ी छूट मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को भी राइटर है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स में कुछ रियायत तो देनी मतलब रियायत है वो देनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो एक बात है कि टैक्स में रियायत देने से फ़ायदा क्या होता है, बट टैक्स में रियायत देने का मतलब क्या है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जिसकी इनकम बेचारे की 5 लाख है, अगर वो उसको 5 लाख पे 1% भी टैक्स मतलब 2% वैसे तो 5% टैक्स का प्रावधान है पर ढाई से 5 के बीच में, तो अगर वहीं पर आप एक सोच के देखिए अगर उस इंसान को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा
मतलब उसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली उसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, तो अगर वो खर्च करेगा पैसा तो कहीं ना कहीं किसी को तो फ़ायदा आने वाला है ना, और वो खर्च करेगा तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो ऑल ओवर अगर कस्टमर जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स रेट पर बढ़ा देती है तो उसमें नुकसान ये होता है कि लोग पैसा कम खर्च करते हैं और हमारी इकोनॉमी को उससे नुकसान होता है। अगला पॉइंट आता है कि सैलरी पर्सन के लिए, तो राइटर कह रहे हैं कि सैलरी पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने 40,000 की डिडक्शन है वो दी है कि भाई 40,000 की वो डिडक्शन है वो दी जाएगी, ये काफ़ी अच्छी बात की गई है। इसके बाद में बात आती है इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स है उस पर सेस है वो बढ़ा दिया गया है। पहले इनकम टैक्स और जो कॉरपोरेट जो कि डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनके ऊपर सेस था, पहले था 3%, तो 3% में इस तरीके से डिवाइड था। सेस का देखो मतलब क्या होता है, पहले तो वो देखते हैं। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अब टैक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझते हो कि 100 कोई भी अमाउंट है जैसे 1,000 रुपये हैं उसके ऊपर 10% टैक्स मान के चलो कि 100 रुपये टैक्स हो गया। अब सर जो सेस होगा उसका मतलब हो जाएगा कि 100 रुपये टैक्स हुआ ना उसके ऊपर 10 रुपये और टैक्स लग जाएगा जितना वो प्रावधान रखा गया उसके तहत, मतलब टैक्स पर टैक्स लगता है उस चीज़ को कहते हैं सेस। अब सेस और सरचार्ज में डिफरेंस ये होता है कि सेस होता है वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए होता है, जैसे कि एजुकेशन सेस होगा मतलब जो पैसा उस सेस से आ रहा है वो पैसा केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही खर्च किया जा सकता है, और सरचार्ज का मतलब ये होता है कि जो पैसा आ रहा है टैक्स ऑन टैक्स वाला वो पैसा कहीं भी खर्च कर सकती है गवर्नमेंट, तो सेस और सरचार्ज में डिफरेंस होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने सेस है उसकी मात्रा 3 से 4% बढ़ाती है, और इसके साथ इसमें थोड़ा चेंजेज ये किया है कि जो 3% से 4% किया है उसमें कह दिया गवर्नमेंट ने कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों में पैसा खर्च किया जाएगा, मतलब जो सेस लिया जा रहा है उसका कुछ हिस्सा तो हेल्थ पे खर्च किया जाएगा और कुछ हिस्सा वो एजुकेशन पे, क्योंकि गवर्नमेंट है देखो एजुकेशन की क्वालिटी को बूस्ट करना चाहती है। अभी हमारे देश में क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान लेके आई थी गवर्नमेंट 2000 के टाइम पे, तो उसमें काफ़ी सारे संशोधन किए गए। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हाँ एजुकेशन का दायरा है वो तो काफ़ी बढ़ गया है, बट हमें क्यों ना क्यों क्वालिटी की एजुकेशन वो बूस्ट करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए। इसके बाद में राइटर अगला पॉइंट आता होता है कॉरपोरेट टैक्स की, तो कॉरपोरेट टैक्स की बात यह है कि पहले जो कंपनीज होती थी जिनका टर्नओवर था 50 करोड़ उनको एक्चुअली 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था, तो अब इस बार गवर्नमेंट ने बजट में यह प्रावधान किया है कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उनको केवल 25% ही कॉर्पोरेट टैक्स देना है, और जिन कंपनीज का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है उनको देना है कॉर्पोरेट टैक्स देना है वो देना 30%। तो ये एक्चुअली मेजर डिफरेंस किया गवर्नमेंट ने, तो इससे फायदा यह होगा कि जो छोटी कंपनीज है मतलब जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उनको केवल 25% ही कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा, तो मैक्सिमम कंपनीज इस दायरे में ही आती हैं क्योंकि काफी बड़ी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट आता है MSMEs के लिए, तो MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एक्चुअली मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, उसमें फंड है वो 3 लाख करोड़ का बढ़ा दिया गया, मतलब फंड है वो 3 लाख करोड़ कर दिया गया। वो गवर्नमेंट ने फंड इसलिए बढ़ाया ताकि मुद्रा स्कीम के तहत लोगों को फंड है मतलब लोगों को लोन है वो आसानी से मिल सकें और लोग एक तरीके से जॉब है वो क्रिएट कर सकें, ताकि लोगों को गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड ना होना हो डिपेंड पे मतलब गवर्नमेंट जॉब पर लोग निर्भर ना रहें और गवर्नमेंट अपने आप पे अपने लोग हैं वो अपने आप खुद अपने लिए जॉब है वो खुद क्रिएट कर सकें और दूसरे लोगों को रोजगार दें, तो इसलिए मुद्रा स्कीम को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए स्कीम उठाए पॉइंट उठाए। इसके बाद में आता है कि नए जो सेक्टर्स हैं, तो इसके साथ गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि जो नए सेक्टर्स या नए जो एम्प्लॉय आते हैं उनको एक्चुअली जो उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जो PF होता है वो 12% गवर्नमेंट देगी, तो ये गवर्नमेंट ने एक नया चेंज किया, वो भी कितने साल के लिए 3 साल के लिए, मतलब इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको PF में फंड है वो ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इन्वेस्ट करेगी। अब अगला पॉइंट आता है इसमें होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो राइटर ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए और गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसमें ये प्रावधान करने की बात की गई थी कि भाई जो गवर्नमेंट MSP देती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वो गवर्नमेंट को जो कॉस्ट प्राइस होती है किसानों की उसका 1.5 मतलब 1.5 गुना देनी चाहिए, और इस बात को गवर्नमेंट ने इस बार इस बजट में अलाउ कर दिया है। मतलब बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो MSP मतलब मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होती है वो जितनी भी कॉस्ट होती है किसान की उससे 1.5 गुना दी जाएगी, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे किसान है उनकी लाइवहुड है वो भी सुनिश्चित रह जाएगी और किसान है वो अपनी आजीविका आराम से कमाते रहेंगे और इसके साथ उनकी इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट है वो किसानों की इनकम बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप उठाए। और एक कमाल की बात इसमें ये की है कि जो MSP है वो खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए कर दिया है, पहले ये केवल और रबी की फसलों के लिए दी जाती थी, अभी गवर्नमेंट ने खरीफ की फसलों के लिए भी ऐड कर दिया इसमें, और रबी मतलब दोनों फसलों के लिए MSP है वो 1.5 गुना होगी। अगला पॉइंट आता होता है फूड सब्सिडी के लिए, तो गवर्नमेंट है उसने फूड सब्सिडी भी बढ़ा दी है ताकि फूड इंडस्ट्री वगैरह है उसमें भी ज़्यादा फायदा हो और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको भी नए तरीके से स्टेबल है वो किया जा सके। इसके बाद में आती है कि एग्रीकल्चर मार्केट है गवर्नमेंट उनको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर मार्केट और ई मंडिंग से फायदा ये होता है किसानों को कि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन देख लेते हैं मार्केट में कि अच्छा इस मंडी में दाम भाव चल रहा है और हम यहाँ पे इससे हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फसलें हैं वो बेच सकते हैं।
इसके बाद में आती है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने दो तीन छोटे स्टेप ये उठाए हैं कि गवर्नमेंट जो फ्री गैस कनेक्शन है वो बढ़ा दिए हैं। जो उज्ज्वला स्कीम आई थी गवर्नमेंट ने, उसमें 3 करोड़ नए फ्री गैस कनेक्शन है वो देने की बात की है अभी। इसके साथ ही 4 करोड़ है वो फ्री बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगी 4 करोड़ घरों को, और इसी के साथ 2 करोड़ नए टॉयलेट बनाए जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो ये गवर्नमेंट ने अपने नए टारगेट हैं वो रखे हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर में वो फोकस किया, वो क्या माइक्रो इरिगेशन पे, तो गवर्नमेंट ने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया क्योंकि हमारे देश में पानी की कमी रहती है और बारिश के ऊपर ही एक्चुअली खेती और डिपेंड रहती है। तो गवर्नमेंट ने इस बार माइक्रो इरिगेशन को फोकस किया है और उस पर काफ़ी सब्सिडी वगैरह देने की बात की है। इसके बाद में आते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन को टैक्स में काफ़ी छूट दी गई है, तो उनके लिए काफ़ी रियायत है वो मिली है। अब इसके बाद देखो राइटर बाद में क्या कह रहे हैं, लास्ट में राइटर है वो भी फोर्ड में यही कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट है उसके पास रेवेन्यू की वजह से ज़्यादा खर्च नहीं हो पाया, मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू वो ज़्यादा नहीं रहा इस बार, क्योंकि एक तो GST था वो उसमें, एक GST की वजह से क्या कि 1-1.5 महीने तो इतना प्रॉफिट हो ही नहीं पाया गवर्नमेंट को, तो इस बार गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम रहा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट खर्चा एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा सकती क्योंकि FRBM एक्ट के जो प्रावधान है वो भी गवर्नमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करनी है। इसके बाद में बात आती है कि गवर्नमेंट को जो सोशल प्लान है उन पर फोकस करना चाहिए था। इस बार देख के ऐसा लग रहा है बजट को कि गवर्नमेंट ने इस बार अगले साल इलेक्शन है इसलिए पॉपुलिज्म की पॉलिसी है, मतलब जो मेनली जो गरीब किसान है या जो बाकी लोग हैं, मतलब जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया है ताकि वोट बैंक है वो अपने अकॉर्डिंग या अपने फेवर में किया जा सके। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी इस तरीके से लेके आनी चाहिए ताकि सभी को फायदा हो और जो सब्सिडी वगैरह वो कम कर देनी चाहिए, जिससे क्या कि हमारे देश का खर्चा कम हो और जो अच्छी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये द्वारा कुछ पॉइंट बताए गए। अब देखते हैं अगले आर्टिकल तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो एक्चुअली है कि सभी स्टेट और जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको एक साथ कर दिया जाए या नहीं किया जाए, इसके बारे में पॉइंट आए। आज है एक फ्राइडे, तो इसमें हाँ ना और आपको पता है वो पॉइंट आते हैं बैलेंस पॉइंट, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि सभी स्टेट और जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो एक्चुअली साइमल्टेनियसली होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उसके बारे में सबसे पहली बात तो आती है कि अगर सभी स्टेट और जनरल इलेक्शन अगर एक साथ होंगे तो उसके फायदे क्या होंगे। देखो उसका फायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि अगर एक ही साथ सारे इलेक्शन होंगे तो पैसा बचेगा, पैसा इसलिए बचेगा, गवर्नमेंट को बार बार पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा अब यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं फिर अगले 2 साल में वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। दूसरा पॉइंट यह था कि करप्शन कम होगा, क्योंकि देखो ब्लैक मनी है वो इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, इलेक्शन के टाइम पर सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी है वो यूज होती है, और गवर्नमेंट अगर एक बार ही इलेक्शन करेगी तो मतलब एक ही बार में ब्लैक मनी यूज होगी तो बार बार ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो पाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। तीसरा यह कि गवर्नेंस है वो भी कम बाधित होगी। अब देखो क्योंकि बार बार अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे नुकसान ही होता है कि गवर्नमेंट वो अपना प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाती, क्योंकि बार क्या मॉडल ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, तो इसलिए इलेक्शन के चक्कर में गवर्नमेंट वो अपना काम ही नहीं कर पाती है। तो एक तो गवर्नेंस का फीचर फायदा होगा, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गए तो 5 साल कोई झंझट ही नहीं रहेगा, 5 साल केवल गवर्नमेंट को काम करना है, कोई बहानाबाजी कुछ नहीं चलेगी। इसके बाद में अगला आता है कि पॉपुलिज्म वाला, कि जो पॉपुलिज्म लोकल भावनावाद है वो कम हो जाएगा। अभी क्या होता है कि इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ गए, अगले साल बाद में विधानसभा के किसी स्टेट के इलेक्शन आ गए, तो क्या होगा कि वहाँ पे पॉपुलिज्म वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं कि यार इलेक्शन आ रहे हैं क्यों ना क्यों वोट बैंक हमारे पक्ष में रखा जा सके, और बार बार क्या कि पॉलिटिशियन है वो हमारे सोसाइटी को धर्म समाज धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं, तो वैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्शन एक ही बार होंगे तो 5 साल में केवल एक ही बार इस तरीके काम है वो कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है वो आता है कि टीचर्स और सोशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। देखो जब भी इलेक्शन होते हैं तो टीचर्स की ड्यूटी है वो लगती है और सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी लगती है, तो इससे नुकसान ही होता है कि अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो बार बार टीचर की ड्यूटी लगेगी, बार बार सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी लगेगी, और स्कूल वगैरह की मतलब जो पढ़ाई है टीचिंग वो बाधित होगी, तो इससे नुकसान क्या होता है, बच्चों का भी नुकसान होता है और टीचर्स होते हैं वो अपना मेन काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका जो मेन मोटो क्या है, मेन मोटो उनका वो एजुकेशन देना, तो वो एजुकेशन सेक्टर में अपना काम ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो इससे ऑल ओवर उनको भी नुकसान होता है। तो यही वो बात की कि टीचर्स और सिक्योरिटी फोर्स है वो अपना मेन काम वो नहीं कर पाते हैं, अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो उनको 5 साल में एक ही बार ड्यूटी देनी पड़ेगी और बार बार ऐसे काम वो नहीं करने पड़ेंगे। अब इसके नुकसान क्या है वो भी देखते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो देखो आर्टिकल में यही कहा गया है कि एक तो सभी स्टेट पहले इस बात है कि मानेंगे नहीं एक साथ, कोई सा भी स्टेट अभी तैयार नहीं होगा कि भाई मैं इलेक्शन एक साथ करवा लूँ, क्योंकि देखो अभी कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो वो स्टेट अभी कैसे तैयार होंगे कि वो अपना बिना 5 साल के पहले इलेक्शन करवा लें, तो एक तो सभी स्टेटों में आपसी सहमति वो नहीं होने वाली। दूसरी बात यह है कि लोकल इश्यू वो नीचे रह जाएंगे, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे क्या कि सेंट्रल अगर मतलब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे नेशनल लेवल के जो इश्यू हैं उनको काफ़ी हावी रखा जाता है, और इसी के साथ अगर स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो स्टेट के मुद्दों पर काफ़ी हावी रखा जाता है। तो अगर सारे इलेक्शन सभी विधानसभा के और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक साथ होंगे तो उससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं उनको काफ़ी तवज्जो दी जाएगी और स्टेट के जो मेन मुद्दे हैं वो तो नीचे रह जाएंगे, तो लोकल मुद्दे हैं वो तो नीचे रह जाएंगे और स्टेट को क्या लॉस हो जाएगा इस चीज़ से। अगली बात आती है वो आती है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी का मेन मुद्दा ही आ जाता है कि देखो अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे
तो क्या होगा, पॉलिटिशियन है केवल 5 साल में एक ही बार जनता के बीच में जाएंगे। अगर इलेक्शन बार बार होते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो पॉलिटिशियन क्या कि बार बार जनता के बीच में जाते हैं और बार बार वो क्या कि जनता की मांग को पूरी कोशिश करने की कोशिश करते हैं, कि उन्हें रहता है कि अगर हमने इन जनता की मांग को पूरा नहीं किया तो हमें वोट वो नहीं मिलेंगे और हमारा लॉस हो सकता है। तो इसलिए क्या कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट ये आता है, वो आता है कि पर्सनलिटी टाइप के इलेक्शन, मतलब जो सॉरी अगला मेनली पॉइंट आता है उसमें ये कहा जाता है कि जो पेंशनलिटी जो टाइप के इलेक्शन होते हैं उनमें केवल मेन लीडर पे फोकस किया जाएगा। मतलब जिस प्रकार अभी कांग्रेस है उसमें भी क्या है, उसमें भी राहुल गांधी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मतलब राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे ऐसा माना जाता है, और बीजेपी में नरेंद्र मोदी, तो मतलब कहीं जो मेन लीडर्स हैं इनके बीच में लड़ाई रहेगी, बाकी जो छोटे लीडर्स हैं उनको तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इलेक्शन में क्या होगा, पर्सनलिटी के बेसिस पे इलेक्शन लड़े जाएंगे जो कि काफ़ी गलत हो जाएंगे। तो इससे क्या कि मैंने सबसे बड़ी बात देखो ये कि स्टेट को लॉस होने वाला, कि स्टेट के अगर मुद्दों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इलेक्शन में तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा ना। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो आता है कि सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी फोर्स की बात आती है कि देखो अभी हमारे देश के पास इतनी सिक्योरिटी फोर्स नहीं है कि सभी स्टेट में एक साथ इलेक्शन करवाए जा सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जो अभी हमारे देश के पास इतने बड़ी मात्रा में तैयार नहीं है। तो एक तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और उसके बाद हमें इलेक्शन करना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। और लास्ट में सबसे बड़ा पॉइंट कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि इसके लिए सबसे बड़ी बात होगा कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है, कि एक तो सभी पार्टियाँ तैयार हों कि हाँ भाई एक साथ इलेक्शन करवाए जाएँ, तभी इस चीज़ का समाधान हो सकता है। और एक इसका नुकसान हो सकता है कि जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गिर गई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी नहीं रह पा रही किसी कारण, वहां पे अगर वो अपनी सत्ता गिर जाती है तो होगा क्या फिर, तो फिर स्टेट में भी इलेक्शन एक दोबारा करवाना पड़ेंगे, तो इसमें नुकसान क्या होगा, स्टेट तैयार ही नहीं होंगे कि भाई हमारी गलती थोड़ी अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट गिरी है, तो इससे ये भी एक नुकसान होगा। तो ये थी कंप्लीट इसके जो 8 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू दोस्तों आज की डिस्कशन के लिए।